खबर भिंड जिले से है, जहां नौनिहाल बच्चों के साथ क्रूरता के साथ की गई मारपीट को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि अटेर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायती खड़ी में शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों द्वारा छात्रों से झाड़ू लगाने को कहा गया, जिस पर छात्र छात्राओं के मना करने पर उन्हें क्रूरता से कमरे में बंद कर उनके साथ मारपीट की गई, जिससे बच्चों को चोटें आई हैं। इस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी के भिंड जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि पीड़ित को न्याय दिलाना कांग्रेस और मेरा फर्ज है और धर्म दोनों है। भिंड से ज्ञान सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। हमने एसपी साहब से कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि 25 तारीख की घटना को आज 31 तारीख हो गई, आज 6 दिन बीत गए और छोटे छोटे मासूम बच्चे थाने में जाकर 6-6 घंटे बैठाए जा रहे हैं, और जहां हमने स्वयं ने इन किताबों को, इन शब्दों को किताबों में पढ़ा है कि इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, और वो आज जी अपने इंसाफ को लेने के लिए, अपना न्याय पाने के लिए, जो बच्चे, मासूम बच्चे, छोटे छोटे ननिहाल बच्चे थाने, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, अब और इन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा, इनका भविष्य क्या होगा, इनकी मेंटेलिटी क्या होगी कि हमारे देश का, जहाँ एक लोकतंत्र देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं इतनी मजबूत और इतनी सुदृढ़ होने के बावजूद ही अगर हम जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने इंसाफ पाने के लिए इतना दद्दर भटकना पड़ रहा है, तो आम व्यक्ति के साथ कैसा क्या होता होगा। तो हमने इसलिए जो बच्चों की पीड़ा थी, तो इसलिए कांग्रेस, समूची कांग्रेस पार्टी आज उनके साथ खड़े होकर हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह किया है कि आप इस मामले को तत्काल गंभीरता से लेते हुए संबंधित जो शिक्षक जो उसमें आरोपी उनके खिलाफ मामला दर्ज कराइए, और जो ऐसे थाना प्रभारी हैं जिन लोगों को मासूम बच्चों पर भी दर्द नहीं आता, तो ऐसे अधिकारियों को कम से कम हिदायत दी जाए कि आगे भविष्य में ऐसी कभी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे मामलों को तत्काल गंभीरता से सुना जाए। और मुझे विश्वास है कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया जल्द इस पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है। मैंने कहा है कि मानसिंह कुशवाहा के शरीर में जब तक प्राण है हम ऐसे न्याय की लड़ाई पूरी ताकत से रोडों पर लड़ते रहेंगे, जब तक इन बच्चों को, इस क्षेत्र के लोगों को, गरीब किसान मजदूर को, अगर इस सरकार में अगर इस प्रकार से अन्याय अत्याचार होते रहे और सरकार में बैठे हुए लोग आंखें बंद करे देखते रहे, तो कांग्रेस पार्टी शांत बैठने वाली नहीं है। पूरी तत्परता के साथ, पूरी ताकत के साथ रोडों पर इन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेगी, उसके लिए प्रतिबद्ध है।